जायसवाल, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्टेड स्कॉच विस्की पर आबकारी शुल्क की दर में 50% की कटौती की है। इससे राज्य में इसका दाम अन्य प्रदेशों के बराबर हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है कि स्कॉच विस्की पर आबकारी शुल्क को विनिर्माण लागत के 300 से घटाकर 150% कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा है कि इस बारे में अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार को इंपोर्टेड स्कॉच की बिक्री पर सालाना 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। अधिकारी ने कहा कि इस कटौती से सरकार का राजस्व बढ़कर 250 करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इससे बिक्री 1,00,000 बोतल से बढ़कर 2,50,000 बोतल हो जाएगी। शुल्क में कमी की वजह से अन्य राज्यों से स्कॉच की तस्करी और नकली शराब की बिक्री पर भी लगाम कसी जा सकेगी। आबकारी शुल्क में कटौती से महाराष्ट्र में इंपोर्टेड विस्की के दाम कम हो गए हैं। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी। खबर के मुताबिक अभी 1,00,000 बोतलों की बिक्री एक दिन में होती है। शुल्क कम होने से बोतलों की बिक्री 2,50,000 पहुंच सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में सरकारों को सबसे ज्यादा राजस्व शराब से मिलता है। महाराष्ट्र में इंपोर्टेड विस्की की कीमतों में कटौती की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 50% की कटौती भी की है। इससे विस्की की कीमत में भारी कमी आई है। अब महाराष्ट्र के लोगों को कम कीमत पर इंपोर्टेड स्कॉच और विस्की मिल सकेगी। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।